हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको लंदन की ऐसी 10 जगहों के बारे में जानकारी दूंगी जो आपने अपने लंदन विजिट में देखनी ही चाहिए। नंबर 1, वेस्टमिंस्टर एबे। ये लंदन का रॉयल चर्च है। नंबर 2, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और बिग बेन। हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये लंदन के दो पार्लियामेंट हाउसेस है, हाउसेस ऑफ लॉर्ड और हाउसेस ऑफ कॉमन। बिग बेन ये दुनिया की प्रसिद्ध घड़ी है। वेस्टमिंस्टर एबे, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और बिग बेन ये गौथिक वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण है। नंबर 3, बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस के साथ साथ आप यहाँ चेंजिंग ऑफ गार्ड सेरेमनी देखना ना भूले। नंबर 4, ट्रफलगर स्क्वायर। ये लंदन का फेमस स्क्वायर है जहाँ राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। यहाँ के दो बड़े फाउंटेन्स इस स्क्वायर की खूबसूरती बढ़ाते हैं। यहीं पर नेशनल गैलरी है जहां बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स देखने का आनंद आप ले सकते हैं। नंबर 5, लंदन आई। लंदन आई ये एक जायंट व्हील है। लंदन आई की राइड लेकर आप लंदन के 360 डिग्री एरियल व्यू का आनंद ले सकते हैं। नंबर 6, टॉवर ब्रिज। टॉवर ब्रिज ये लंदन का फेमस लैंडमार्क है। इस ब्रिज को खुलते और बंद होते हुए देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक यहाँ आते हैं। आप ब्रिज के टॉवर्स के अंदर जाकर हाई लेवल ग्लास फ्लोर वॉक का आनंद ले सकते हैं और इसके इंजिन्स के बारे में जानकारी भी पा सकते हैं। नंबर 7, लंदन के म्यूजियम्स। लंदन में बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, उसमें से एक मादाम तुसॉड्स म्यूजियम, जहां आप दुनिया भर के सेलिब्रिटीज के वैक्स स्टैचूज देख सकते हैं। दूसरा म्यूजियम विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, जो कि आर्ट एंड डिजाइन म्यूजियम है। यहाँ आपको अलग अलग देशों के वास्तुकला, शिल्प कला, ज्वेलरी, कपड़े, शस्त्र, इनके सब के उदाहरण देखने मिलेंगे। तीसरा, ब्रिटिश म्यूजियम। यहाँ आपको बहुत सारे देशों की 2000 से भी ज्यादा पुरानी संस्कृति और मानव इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी।
इसके अलावा आप नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और साइंस म्यूजियम देख सकते हैं। नंबर 8, लंदन के रॉयल पार्क्स। लंदन के 8 रॉयल पार्क्स में से आप सेंट जेम्सेस पार्क देखने जा सकते हैं। यहां आपको टिफनी फाउंटेन, ब्लू ब्रिज के साथ साथ कुछ पेलिकन्स देखने मिलेंगे। दूसरा हाइड पार्क, ये बहुत फेमस पार्क है। तीसरा रीजेंट्स पार्क। नंबर 9, शॉपिंग। शॉपिंग के लिए आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जा सकते हैं, जहां आपको हर ब्रांड के शॉप्स मिलेंगे। और नंबर 10, लंदन की सी लाइफ एक्वेरियम। यहां आपको 500 से अधिक प्रजातियों के जल जीव देखने मिलेंगे। आप ये सारी जगह 5, 7 या 10 दिन में देख सकते हैं। नंबर 1 से 4 ये जगह है आप एक दिन में देख सकते हैं। बाकी जगह देखने के लिए आप अपने हिसाब से वक्त दे सकते हैं। ये ध्यान में रखें कि लंदन में ये सब जगह है देखने के लिए बहुत चलना पड़ता है। और भी बहुत अच्छी जगह है लंदन में है जो आप देख सकते हैं। इन सब जगहों के बारे में जानकारी पाने के लिए देखते रहे मेरा चैनल ट्रैवल एनजी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिले। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।